अच्छा जी, ये रास्ता है रशिया और अफगानिस्तान का। एग्जैक्टली वो रास्ता आ गया जो मैं पहले बात कर रहा था कि वुहान की पट्टी जो हमें पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाया जाता है वो एरिया ये आ गया। ये एरिया बेसिकली अच्छा, सेपरेट चाइना की करता तरफ जो है अफगानिस्तान रशिया से। हाँ, है। यहाँ पे एक टी बॉर्डर है रशिया से, तो ट्रेवल करेंगे तशोरन से अशरन साइड तक। तो घंटे के बाद आपको एक नंबर बॉर्डर आएगा, वहाँ से वो रशिया को नहीं जाती है, अशर से भी है। तो जो बॉर्डर, ये बॉर्डर जो है ये पैदल वाला है। हाँ, ये पैदल वाला है। अच्छा, यहाँ पैदल एंटर हो जाते हैं अफगानिस्तान में। अच्छा, नहीं, बॉर्डर तक जा सकते हैं। अच्छा 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 सही सही सही। रशिया तो खैर दूर है, ताजिकिस्तान में जाती है, ताजिकिस्तान इजी कर ले। हाँ, भैया बोल रहा था उसके इतने। हाँ, ये और ये 60s से पहले, भट्टों के दौर से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था, ये जिस एरिया से गुजर रहे। तो ये पाकिस्तान ने चाइना को डोनेट किया है ये सब। ये जो वो सामने कैंप लगे हैं, यहाँ भी ये लोग रहते हैं, वो सामने ये हम का इधर ये चैनल के अंदर न्यूमेटिक लाइफ जो है वो हम शो कर रहे हैं। और जी ये खेती बड़ी हो यहाँ पर। ये ऊँट देखे जी, सबसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ये चाइनीज बोर्ड। ये रास्ता 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 एशिया के हमसे आ गए, दशवर से आ गए, सही से वहाँ से भी, फिर अशर से भी। लेकिन यहाँ से जो पैदल हो रहा है ना, यहाँ से जैसे रोड जो भी ये बॉर्डर पे बनाया है, वो भी ये जितने छोटे से चेनी ये सारे जाते हैं इस एरिया में। वो जो वाखान साइड की है वो किस तरफ से जाते हैं, जो चाइना में जाते वो आगे। अच्छा, वो मेरे ख्याल से रूमची से भी रास्ता जाता है ना, वो काशगर से भी जाता है, काशगर से। हाँ जाएंगे ना हाँ एशिया के कंटिनेंट आपको नजर आएंगे। असल में एक दो तीन मुल्क लगते हैं ना, एक तो ताजिकिस्तान हो गया, एक किर्गिजिस्तान है। जो किर्गिज हैं वो मेरे ख्याल से इस काशगर या इस एरिया से, और जो रूमची है उसमें से ताजिकिस्तान चला जाता है, कजाकिस्तान। वो जो है ना कजाकिस्तान वाले, वो उनका मुझे पता है, वो ट्रेन लेते हैं और रूमची से चले जाते हैं। बड़ी अच्छी गपशप जा रही है जी चाचा के साथ। साथ साथ आप लोग एंजॉय करें इन पहाड़ों को, ये बहुत बड़ा एरिया है जो बिल्कुल मतलब। अच्छा, हाँ, अब हम हाइट से नीचे जा रहे हैं। चाइना पाकिस्तान, ये घास जो आप देख रहे हैं ये इंडिकेशन का भी ये चुरागा है, और यहाँ पर जानवर जो है वो कंटिन्यूसली ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो पहले इस तरह का सीन रहता है, ये आपका छोटा सा बछड़ा, और इससे आगे हम लोग जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको यहाँ के दिखाएंगे। सारे कुछ पहाड़ हैं। आगे गाँव है, ये चाइना का सेकेंड गांव। और आगे जाएंगे आगे ये कैप्टन चाचा जो है वो ताजिक है, तो ये बहुत सारी बातें वो बता रहे हैं। उनके साथ जो इंटरव्यू में कंटिन्यूसली हम पूछ रहे हैं। चाइना की तरफ जो है लोग कहते हैं
ये बोर्ड जो है तीन तीन लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, चाइनीज में भी बोर्ड है और इंग्लिश में भी। ये देखिए जो आजकल आपने अर्तुरुल गाजी वाले ड्रामे में देखा है ना, वो जिस तरह की कैंपिंग होती है, मेरे लिए और बड़े भाई रीत भाई बड़े शौक से पिछले 2-3 सालों से वो देखते हैं इस ड्रामे को, तो उस तरह की जो लाइफ स्टाइल है ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ये गाँव में ये जी बता रहे कि एग्रीकल्चर के रेफरेंस से सिर्फ जो होती है इस एरिया में, और यही लोग सिर्फ ये इसी को करते हैं, इस गांव के लोग जो उनका स्टेपल फूड है वो जो है। तो हम लोग तो माशाल्लाह गन्ना और चावल खा के भी अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक और डेवलपमेंट है जी मैं आपसे शेयर करूँ। ये देखें आप रोड पे जितने भी पूल्स हैं सब पे एनर्जी ये क्या कहते हैं सोलर सोलर पैनल्स लगे हुए, और व्हाट आर फंटास्टिक वे टू कंजर्व एनर्जी एनर्जी की सेविंग के लिए। अच्छा जी किसका मतलब का? अच्छा ताज का मतलब है पत्थर का घर। ये अच्छा विगोर में कोई इस तरह के क्वेश्चन ना करें भाई जो ना इस तरह की हमें इंफॉर्मेशन ना हमारे साथ इस तरह के हालात हुए हैं, तो हमें भी कुछ भी इनके एथनिक इश्यूज पे डिस्कस करना चाहिए। हमें ये है कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है हमारे बड़ी सारी मस्जिद।